दोस्तों टेस्ट ट्यूब से बेबी कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। सबसे पहले महिलाओं को पीरियड्स के दूसरे या फिर पांचवें दिन से लगातार 9 से 10 दिन तक एग्स को मैच्योर करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आ जाता है तो महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर ओवरीज से अल्ट्रासाउंड की मदद से एग को बाहर निकाला जाता है। ठीक उसी दिन हस्बैंड के स्पर्म का सैंपल भी लिया जाता है और उसमें से हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग स्पर्म को अलग कर लिया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दो तरीके से की जाती है। नंबर वन, एग और स्पर्म को एक डिश में रख दिया जाता है जहां वो खुद ही संपर्क में आकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। और नंबर टू, माइक्रोस्कोप की मदद से पुरुष के स्पर्म को महिला के एग के अंदर नीडल से इंजेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को इक्सी कहते हैं। और इन दोनों को लैब में इंक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है। अब 4 से 5 दिन के बाद जब वो रेडी हो जाते हैं तो उसे महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है और उसके बाद बच्चे की ग्रोथ वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल बच्चे की होती है।